वो नेगलेक्ट कर दिए हैं, उनका डबल इंजन जो है आरएसएस मांडिया जो लोग हैं, नाथूराम गोडसे के जो पारिवारिक लोग हैं, नाथूराम गोडसे के जो वंशज हैं। केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना पर झटके के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए, दिल्ली से वापस पटना आया और पटना में आकर कहा कि तमाम नेताओं से एक बार बात करेंगे, तमाम दल से एक बार मुलाकात करेंगे और इस पर फैसला करेंगे कि आखिर जातिगत जनगणना को लेकर के क्या कुछ उनका अगला कदम होगा। मगर इस बीच तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। पूरे मामले को लेकर तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। ये इसमें केंद्र सरकार ने इसलिए मना कर दिया कि उनका सुपड़ साफ हो गया। जातीय जनगणना अगर अगले राज वालों ने जो अपने जो इधर जो राज के जो कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने खुद के पैसे पे जातीय जनगणना कराया। अब जब जातीय जनगणना का जब बात उठा था तो उस समय हमें बोला था कि नीतीश कुमार जी गठबंधन में डबल इंजन की भी सरकार है तो अपने पैसे पे करा ले जातीय जनगणना। अगर वो नेगलेक्ट कर दिए हैं, उनका डबल इंजन जो है आरएसएस मांडिया जो लोग हैं, नाथूराम गोडसे के जो पारिवारिक लोग हैं, नाथूराम गोडसे के जो वंशज हैं, इन लोगों ने मना कर दिया है तो अब नीतीश कुमार जी को हम लोग नौजवान लोग मिलेंगे भी और नीतीश कुमार जी से भी मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से आप मिलिएगा कि जातीय जनगणना कराने का काम करें। नीतीश कुमार जी टाइम देंगे तो हम लोग छात्र नौजवान सब जाकर के मिलने का काम करेंगे और बात को रखेंगे कि जातीय जनगणना होना चाहिए। इसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसी की उतनी भागीदारी। तो इसको लेकर के हम लोग तो शुरू से ही उठाने का काम किया है, इसको जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन जेडीयू अभी कह रही है कि केंद्र सरकार ने भले ही मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल। जेडीयू कह रही है जिसकी है तो केंद्र सरकार है, अब बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी मुखिया है तो इन लोग को मिलकर कराना चाहिए। ये लोग क्यों नहीं करा रही है? वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद है केंद्र सरकार, पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद है। अब पॉजिटिव रिस्पांस यही मिल रहा है कि आप बोल रहे हैं कि वो नहीं कराना चाहते हैं, अब आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की संभावना है भाई। नहीं, जेडीयू कह रही है नहीं, तो आप जो कह रही हो, लेकिन ये सब जनता को गुमराह नहीं करें। लोग जनता भली भांति जानती है कि कौन कितना पानी है, इसीलिए हमारा भी है और लोगों को छात्र जनशक्ति परिषद के माध्यम से हमने जेपी जी को लालू जी को फॉलो करने का काम किया है और इसको पूरे ऊंचाइयों तक जब तक हम नहीं पहुंचा लेते तब तक हम चैन से बैठने वाले हैं। तेज प्रताप जी, कल किसान आंदोलन को लेकर भारत बंद रहता है, आप पटना में? देखिए, किसान आंदोलन को लेकर के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, बबलू जी हैं, जैसे प्रशांत जी हैं, मैं आपके चैनलों के माध्यम से जहां भी जो किसान हैं उसको सपोर्ट करें, आंदोलन में सपोर्ट करें नौजवान सब, क्योंकि नौजवान ही एक देश को बदल सकता है। आपने सुना तेज प्रताप यादव को, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी जातिगत जनगणना जो है वो नहीं चाहती है, उसका सिर्फ एक मतलब है कि उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर जातिगत जनगणना बिहार में होता है या फिर देश में जातिगत जनगणना अगर होता है तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस कारण से ही बीजेपी ने सीधे तौर पर जातिगत जनगणना नहीं कराने की बात जो है वो कह दी है। साथ में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वो खुद मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात को रखेंगे और कहेंगे कि वो उनके साथ हैं, जातिगत जनगणना जो है वो बिहार में होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि आखिर जातिगत जनगणना को लेकर के जो बिहार में सियासत चल रही है, आखिर क्या बिहार में जातिगत जनगणना होगी या फिर नहीं हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहे हेडलाइंस पीआर के साथ।